बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे प्यारे भैन भाइयों के? ठीक ठाक हो? तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अज साड़ी आज़ादी का दिन 14 अगस्त, तो सब मेरे भैन भाइयों जितने भी पाकिस्तानी ने, पाकिस्तान दे विच ने, बाहरले मुल्कां दे विच ने, उन्होंने मुबारक होवे। क्योंकि यह खुशी ऐसी होंगी, ईद तो वध खुशी होंगी है इंसान समझे तो। क्योंकि जिस दिन इंसान यानी कि मुल्क साडा आज़ाद होया तो इंसान ही साढ़े आज़ाद हो गए, बंदे साढ़े आज़ाद हो गए, यानी कि अपनी आज़ादी ना काम कर सकते हैं अपने मुल्क दे विच। वो आज़ादी होंगी है। अल्लाह पाक हर नू आज़ादी मुबारक करे। अल्लाह पाक साडे जिहड़े गवांढी मुल्क ने उन्हां दे सदके नाल साडे ते खास फजलो करम करे। अल्लाह पाक साडे पाकिस्तान नू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमावे। क्योंकि गवांढ़ी का हक बहुत ज़्यादा होंदा है। गवांढ़ी नूं पहले दुआ देनी चाहिए, फिर खुद नूं दुआ देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने गवांढ़ी का बहुत वड्डा अजर ते हक रखा है। क्योंकि गवांढ़ अच्छा है, तुसी खुद अच्छे हो। अगर गवांढ़ ते कोई मुसीबत है तो समझो तुहाडे ते पहले मुसीबत है। क्योंकि गवांढ़ का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे मुल्क है, चाहे घर है, चाहे कोई मतलब है दुकान है, जो कुछ भी है, गवांढ़ गवांढ़ है। गवांढ़ एक बहुत अजर वाली चीज़ है, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक सब नू तौफीक देवे इन गल्लां ते। क्योंकि एक गल्लां ते आपां जदों तैनात पायदार हो जाना है ना, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल आपां कायम उदैम हो जावांगे। ये वादा है साडा। क्योंकि अच्छी बात जिहड़ी हुंदी ना, अच्छी निस्बत, अच्छी बात ये बहुत मुश्किल नाल मिलती है। क्योंकि पिछले दिन जिहड़ा मैं व्लॉग पाया सी, दुख तो बहुत लग्या सी मैनू वो गल्लां करन लग्या, लेकिन करनिया भी जरूरी मैनू पईयां सी। क्योंकि मैं वो कन्ना ना गल्लां सुनिया सी, मेरे को गवारा नहीं हुईयां। फिर लोगों ने कहा भी तू उत्थे आंदा सीना तान के इंज आंदा इंज आंदा। क्योंकि साडे घर दे विच ही अच्छे आदमी भी इकट्ठे सी ते गलत आदमी भी इकट्ठे सी। फिर उनके विच लड़ाई तो पै जानी सी ना, तो फिर तुसी भैन भाइयों कहना सी भी तू ना जाता अगर उत्थे इस तरीके गुस्से नाल आए बैठे सी तो तू ना जाता। क्योंकि लड़ाई हो जानी सी, 100% नहीं 110% लड़ाई के चांस है गए सी। तो मैं अच्छा किया, मैं वड्डा सी, मैं इस गल नू समझ गया। क्योंकि ये गैंग क्यों रली बैठी है, ये ना लड़ाई पानी है ता करके। क्योंकि वे अच्छे बंदे भी बदनाम हो जाने सी। क्योंकि साहिवाल चो आई हुई बहुत अच्छी फैमिली हैगी, अच्छे ग्रेजुएट पढ़े हुए पढ़े लिखे आदमी ने, तो उन्होंने अनपढ़ लोगों के नाल रह के उन्हें भी खराब हो जाना सी। क्योंकि जो तो लड़ाई जो पै जानी सी तो मूवी बन जानी सी, तो लोगों आखना सी भी तुसी तो पढ़े लिखे सी, तुसी तो बेच ना जाके बहेंदे। आ गल्लां होंदियां हैगियां ने। बाकी अल्लाह पाक मेरे भाई नू हसदियां वसदियां रखे, नवाज नू भी, इजाज नू भी, ते अहमद एंड राबिया नू भी। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा किरदार अदा किया साडे घरां दे विच आके, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बाकी साड़ी तरफों इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल आज 14 अगस्त की खुशियां तमाम अहले वतन नू मुबारक। चंद जिहड़े मिनट होंदे ने आंधी दे होंदे ने, अगर इंसान सबर कर जावे ना तो आंधी टल जाती होंगी, ठीक है ना। तो इंसान नू सबर भी करना चाहिए है, लेकिन मैं खुद इवें वड्डा बना, मेरे को भी सबर नहीं होया गया। अगर मैं कोई एक दिन भी सबर कर जाता ना तो सब गुस्से गिले सब लै जाने से, लेकिन मेरे को सबर नहीं होया गया। तकलीफ इन्नी हुई फिर मैं वीडियो बनाती, तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। इंदा बिल्कुल यहोजा कोई काम नहीं होगा, ठीक है मेरे भैन भाइयों के। तो इंशाल्लाह तुहानू 14 अगस्त की खुशियां तमाम अहले वतन नू पाकिस्तानी जितने मेरे वेखण वाले भाई ने उन्होंने मुबारक होवन। तो तमाम यूट्यूब फैमिलियां नू मेरी तरफों यानी कि ये साडी अपनी ईद हैगी, तमाम यूट्यूब फैमिलियां नू ईद मुबारक, फिर ईद मुबारक और फिर ईद मुबारक। क्योंकि 14 अगस्त साड़ी असल ईद हैगी, क्योंकि ये साडा आज़ादी का दिन हैगा। साडे पड़ोसियों की जो माशाल्लाह ईद आवे यानी कि उन्होंने त्यौहार होवे जो आज़ादी का, उन्होंने जिस जिस वक्त आवे आने वाली खुशियां उन्होंने मुबारक। क्योंकि प्यार मुहब्बत ना जिंदगी गुजारनी चाहिए। प्यार मुहब्बत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पौधा है जिंदा साया कभी ना खत्म होने वाला होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये साया वो हैगा जिहड़ा तुहानू कबर दे विच भी प्यार मुहब्बत का साया मिलेगा। प्यार मुहब्बत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लफज़ है, प्यार है तो चार लफज़, लेकिन इन दे मानी अगर समझे जावन तो करोड़ा मानी है इस प्यार दे।
क्योंकि प्यार करना चाहिए वालदैन नाल अपने भैन भाइयों नाल अपने देखने वाले भैन भाइयों नाल क्योंकि देखने वाले भैन भाई मैं बहुत अच्छे लगते हैं बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यार मेरी वीडियो देखते हैं और हकीकत है जो एक बार मैं नंबर दिता सी तो उस नंबर के उत्ते पता नहीं हज़ारा ही गल आई सी हकीकत है कि तू इस तरीके विलाग बनाया कर तू इस तरीके विलाग बनाया कर मेरा टाइम नहीं लगता विलाग बनावन उस तरीके टाइम सॉरी जी मैं खलो के गल कर लिना मैं कहना ये टाइम बहुत मुश्किल बा मुश्किल आ टाइम निकलता मेरे को इंशाल्लाह जिंदगी रही अगर जिंदगी ने मौका दिता तो तुहानू इंशाल्लाह टूर दे जगह जगह विजिट भी कराया करांगे इंशाल्लाह अच्छे तो अच्छे विलाग भी दिखाया करांगे बस जिंदगी की गल है दुआ करो इंशाल्लाह सेहत होवे जिंदगी होवे तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ करांगे इंशाल्लाह फिलहाल तो दुकान तो बाहर एक कदम नहीं पटिया जाता क्योंकि रश इन्ना हुंदा है बस दुआ करो इस तरीके रश च रह करिए बाकी सब तो पहला मेरा सलाम आज़ादी मुबारक जनाब जनाब खैर मुबारक खैर मुबारक क्योंकि अपना सब तो अच्छा पहला और ये आज़ादी का दिन जड़ा ना ये अपनी असल ईद हैगी मुसलमानों की ठीक है ना अल्लाह पाक सब ते फजल करम करे आमीन 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 आज़ादी मुबारक आमीन 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 जनाब आज़ादी मुबारक सर बंदा कहता भाई मेरी बना जनाब क्योंकि साढ़े शहर के ना काफ़ी दुकाना खुलियां है ते ऐसा कोई मसला नहीं फिर भी यानी कि ना आज़ादी मुबारक के मौके पर क्यों खुलते हैं भी जिन्हें सौदा सलाफ लेना वो ले लैन सुबह सुबह मार्केट खुलती है फिर बंद हो जाती आज़ादी मुबारक आज़ादी मुबारक बखैरदा साडा भरा आज़ादी मुबारक जनाब जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी खान साहब डा साहब थैंक यू बाकी साढ़े पिंड थावां ते आज़ादी इस तरीके मनाई जाती है कोई खोती रेड़ियां ते चढ़ जाते हैं वो लैके तूतियां वगैरह कोई किसी चीज़ ते यानी कि जेडे पिंड था होंगे इन कोई वो नहीं होंगे शहर वाला माहौल है इतने माड़ा जो मोटरसाइकिल तेज़ चला लवे तो इतने असी रौला पा दें उन्होंने फड़ के कुट दें भी मोटरसाइकिल क्यों तेज़ चला रहे हैं बच्चा थले देना सी तो शहर तमाशाला वन व्हीलिंग करते हैं या मोटरसाइकिल बजाते हैं गड्डिया सजा के बजाते हैं रेसा लाते हैं उत्थे कोई मतलब रोकथाम नहीं होंगी तो इतने बहुत जड़ा ना अपने आप को समेट के रखना पैंदा है पिंड थावां दे विच इत्थे आज़ादी इतनी आज़ादी नहीं हैगी भी तुसीं मतलब सरेआम ही थले दे दो बंदिआं नूं ना तो शहर माहौल बनते हैं उत्थे फिर सुलझे लोग ने वो सड़कों के बच्चों नहीं जान देते तो इतने पिंड थावां ते साढ़े ये बच्चे बुच्चे फिरते होंगे ने ता करके फिर असीं ये कंट्रोल करने हैं ताकि कोई ज़्यादा तेज़ रफ्तारी ना चीज़ ना लगा भी